इस न्यूज के प्रायोजक हैं अबजान जूस एंड फालूदा, पेंटर चौक, बीजापुर वे, सोलापुर। आजादी बचाओ न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलापुर लोकसभा चुनाव में इस बार राम सातपुते उम्मीदवार के लिए जो है आज 29 अप्रैल 2024 की दोपहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भव्य सभा होम मैदान पर होने जा रही है, जिसके लिए जो है हजारों की संख्या में जो है यहाँ पर उनके सुनने के लिए जो है लोग उनके साथ आए हैं। क्या इस बार सोलापुर लोकसभा में तीसरी बार हैट्रिक कर पाएगी और पूरे देश में भी बीजेपी हैट्रिक कर पाएगी? 100% इसमें कोई शक नहीं है। हम ग्राउंड लेवल से रिपोर्ट देखा है, हम घर घर जाके देखा है, हमने फ्रेंड्स से पूछा है, रिलेटिव से पूछा है। तीन आमदार, देखो यहाँ से क्लियर कैलकुलेशन है, तीन आमदार बीजेपी के हैं और जो हिसाब से सोलापुर की तरक्की हुई है वहाँ से 100% ऐसा ही लग रहा है कि ऐसा ही होएगा कि यहाँ से बीजेपी आएगा और ऊपर भी 400 सीट पार आएंगे 100%। कोई शक नहीं। क्या लगता है इस बार जो है 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, इन मुद्दों को देखकर जो है सोलापुर की जनता हो या देश भर की जनता हो, इसे सीधे तौर पर जो है बीजेपी को उसका फायदा होगा? बीजेपी का बहुत फायदा है हमारे देश के लिए और बीजेपी सरकार ही है जो हमारे देश को आज बचा के रखी है और हमारे देश की जो तरक्की हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बोलो, ट्रांसपोर्टेशन में बोलो, सब बीजेपी कर सकती है। अब की बार 400 पार और बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो है लोकसभा चुनाव में लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं। क्या लगता है सर, इस बार जो है राम सातपुते बीजेपी को जीत दिलाकर सोलापुर लोकसभा के लिए हैट्रिक कर पाएंगे? जरूर कर पाएंगे। क्या होगा नारा इस बार, 400 पार या 370? की बार 400 पार, मोदी सरकार फिर एक बार। क्यों मोदी सरकार इतना लगाव क्यों? देश में जो काम कर रहे हैं मोदी सरकार, राम मंदिर हो, ट्रिपल तलाक हो, स्वच्छ भारत हो, सुलभ शौचालय का विषय हो, हर घर शौचालय का विषय हो। क्या काम करते हो? मैं बिजनेस हूँ। इस बार 101% बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी? बनाएगी, बनाएगी जरूर। अब की बार 400 पार। क्या नाम है आपका? सिद्धाराम तड़े। क्या काम करते हो? बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं। क्या लगता है इस बार मोदी सरकार फिर से आएगा तो 100% 400 पार हो जाएगा? और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या उनके मन में है, वो आज क्या सभा में जो है सुनना पसंद करते हैं। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या इस बार मोदी सरकार 400 पार कर पाएगी। माता जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, हाँ। क्या लगता है आप आज क्या सुनने आए मोदी से, क्या सुनना पसंद करेंगे आज? आज क्या सब लेडीज को अच्छा कर रही था, क्या नारी शक्ति बढ़ाने के लिए? हाँ हाँ, कई को हम घरकुल में हमको क्या हुआ सोच कर नहीं है। बीड़ी बनाते हैं, बीड़ी बनाते हैं, बीड़ी का भी क्या भी इनकम नहीं है, महिला कैसा रहने का और क्या हमको इनकम नहीं है। तो महिलाओं को ये जो बीड़ी की जो पेमेंट होती है वो महीने में एक बार अकाउंट में आपके महीने में आता है, महीने में कितना वो 2000-3000 कमाते है, उसमें भी वो महीने में क्या घर 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 क्या चलता, क्या भी नहीं चलता उसमें। इस बार वोट मोदी जी को डालेंगे और आप अपनी डिमांड करेंगे कि हफ्ते को हफ्ते आपकी पेमेंट दीजिए, हफ्ते को पेमेंट आना और उसमें लेडीज को क्या तो घरकुल में क्या नहीं है करने के वास्ते, क्या भी लेडीज के लिए और सब क्या भी आए तो हम बाहर आना, गांव में आना, पैसे होना उसके लिए तो लेडीज कहाँ रहा, इसलिए मोदी क्या तो सोच कर करना है। वहाँ बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए कि आपके नई घरकुल में हॉस्पिटल होना चाहिए, वहाँ सब होना चाहिए। क्या अपने को घर में क्या क्या लगता है, क्या भी नहीं है, अभी छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, सब ये रहते हैं, उनको क्या भी सोच कर नहीं है, वहाँ कॉलेज के बच्चे, वहाँ जंगल स्कूल का नहीं, कॉलेज का नहीं सोच कर, अच्छा सब गाँव में आना पड़ता है, हमको बहुत दिक्कत है। क्या लगता है बेटा, मोदी सरकार अब की बार 400 पार करेगी? करेगा। क्या कहना चाहेंगे माता जी आप? क्या नहीं, सब हो रहा है। मोदी सर क्या करेंगे? क्या करेंगे? करेंगे मोदी सरकार। क्या लगता है इस बार जो है मोदी सरकार 400 कर पाएगी? 100% करेगा, 400 पर। आपके बार 400 पर। जय श्री राम। इस बार वोट जय श्री राम का नारा लगा कर देंगे, जय श्री राम का नारा लगा कर वोट डालेंगे। वोट डालेंगे ना, जय श्री राम का नारा। जय श्री राम। जय श्री राम का नारा। मोदी 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 मोदी। काम करते हैं आप? लुम कामगार। लुम कामगार, हाँ। चलता है आपका घर, जितनी आपकी तनख्वाह मिलती है? मिलती है। इस बार मोदी 400 पार। एक बार मोदी 400 पार। तो और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या उनके मन में, मोदी जी से क्या सुनना चाहेंगे आज? आज मोदी जी क्या वहाँ गए बाद हमको मालूम पड़ता क्या सकते, ग्यारह मोदी का गारंटी है उससे। परसों मोदी जयनगर में आए थे ना, वो डेनिस का करते बोले आवा घरकुल में, वो भी सही सर करना हमारे, यही है सब डेनिस का वो ना मोदी का गारंटी है हमारे को। हाँ, मोदी। ओके, और भी लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से आप पीछे देख सकते हैं
कि विकास से बढ़कर जो है जय श्री राम का नारा यहाँ पर युवा लगाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या लगता है? विकास भी है उनका, विकास से बढ़कर सोलापुर भी है। सोलापुर पूरे भारत में मोदी जी के जैसा कोई भी विकास नहीं कर सकता है। अब तो विपक्ष हद्दपारी हो जाएगा, अगली बार विपक्ष दिखेगा भी नहीं है। तो मोदी सरकार की गारंटी, मोदी आपकी बार 400 पार, 400 भी पार हो सकता है, 500 भी पार हो सकता है। क्या मोदी हर हाल में आएंगे, मोदी हर हाल में आएंगे, हर हाल में। ओके, तो ये बहुत सारे लोग हैं जो मोदी के सपोर्ट में यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लोग सीधे सीधे तौर पर जो है बीजेपी को वोट डालने की कोशिश कर रहे हैं, और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ।